डियर फ्रेंड्स, अभी कोविड महामारी में हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही है। लगातार बहुत सारे जानकारी की चीज़ें चलने के साथ साथ बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज भी हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन इसमें जो एक बारीक लाइन है सुरक्षा की, उसे समझना एक आम आदमी के लिए, एक नॉन मेडिकल पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए कुछ बेसिक चीज़ें जो सावधानी की ज़रूरत है हमें, उसके बारे में हम कुछ समझते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल सिम्टम्स आने वाले हैं, जो लक्षण हैं, उसमें से सर्दी, हल्की खांसी, सिर दर्द, बुखार, बदन में दर्द, लूज़ मोशन या सांस में कोई भी तकलीफ, ऐसे कोई भी लक्षण जिस दिन आपको दिखाई देते हैं उस दिन को हम डे वन मान लेते हैं। और यदि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सपोज़ आपको इन्फेक्शन कहाँ से प्राप्त हुआ हो, तो यह उस इनिशियल सिम्टम को कोविड के रूप में सपोर्ट करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। तो उस समय तुरंत आपको टेस्ट कराने के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज उस टेस्ट की भागा दौड़ी में अभी तो मुझे शुरुआत में थोड़े से लक्षण आए हैं, मुझे काफ़ी समय से सर्दी रहती है तो ये तो सामान्य सर्दी होगी, या मेरा सिर दर्द बना रहता है, या मुझे हेडेक रहता है, ऐसी सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें और सीधा सीधा अपने आप को आइसोलेट करें। केवल आइसोलेट करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे ही आप आइसोलेट करते हो, एटलीस्ट आपका ट्रांसमिशन आपके लिए भले फ़ायदेमंद ना हो, आपके परिवार और आसपास के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, उसके पश्चात आप या दो या तीन दिन तक अपने सिम्टम्स को देखिए। यदि कंटिन्यूसली तीन दिन तक फीवर आता है तो बिना सोचे समझे आपको अपने कोविड का टेस्ट कराना है, और इसके पश्चात ही आप सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन आइसोलेशन जैसे ही स्टार्ट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड के टेस्ट का वेट करें कि वो पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है। आप प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में मेडिकल काउंसिल के द्वारा सजेस्ट किया गया है, उसको बिल्कुल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करें इसे आप कोई भी अपने क्वालिफाइड या कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह के थ्रू चालू कर सकते हैं। और ये चीज़ें व्हाट्सएप में बहुत सारी चल रही है, मीडिया में बहुत सारी शो हो रही है, उस ट्रीटमेंट को आप चालू कर सकते हैं। जैसे ही तीन या चार दिन होते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो अपने टेस्ट, पॉसिबल है यदि आपके पास तो बिल्कुल करा सकते हैं, उसमें से कोई भी टेस्ट करा सकते हैं आप, एंटीजन टेस्ट, RT-PCR या नॉट टेस्ट, तीनों टेस्ट करा सकते हैं। तीनों में से कोई भी पॉजिटिव आने पर आप पॉजिटिव हैं, लेकिन यदि केवल एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो आप श्योर नहीं हैं और आपके सिम्टम्स तीन से पाँच दिन तक कंटिन्यूस हैं, तो आप मान के चलिए ये तब भी कोविड है। RT-PCR और नॉट टेस्ट यदि कन्फर्म करते हैं तब आप नेगेटिव हैं, बशर्ते यदि आपके सिम्टम्स नहीं हैं। सिम्टम्स होने की स्थिति में भी बहुत रेयर केस में, 1-2% केसेस में टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी आप कोविड से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। 98-99% केसेस में यह सेल्फ कंट्रोल डिजीज़ है, यह अपने आप ठीक हो जाता है। CT स्कैन के लिए आपको तुरंत भागने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको सांस में तकलीफ़ या आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हो जाता, तब तक CT कराने का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरा सवाल यह भी है कि टेस्टिंग के साथ साथ, टेस्टिंग में याद रहे, एंटीजन टेस्ट शुरुआत के तीन दिनों में करा सकते हैं, 3-4 दिनों के बाद RT-PCR का टेस्ट ही पॉजिटिव आता है, उसके बाद ही इसका इम्पोर्टेंस है, तो ये बिल्कुल ज़रूर आप ध्यान में रखें। लेकिन यदि ना टेस्ट कराते हैं तो वह तुरंत शुरू से आपको पॉजिटिव दे सकता है, दैट इज़ बेटर एंड फिजिबल। मेडिसिन के बारे में हम आते हैं, जो अभी गाइडलाइन चल रही है जिसमें 5-7 मेडिसिन है, जो आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ विटामिन सी, जिंक और पैरासीटामोल के रूप में चल रही है, तो उसे आप बिल्कुल कंटिन्यूसली लें, उसका कोर्स पूरा करें। साथ ही फीवर ना होने की स्थिति में भी यदि आपको हरारत लग रही है, थकान सी लग रही है, तो भी पैरासीटामोल को ज़रूर लें। कुछ लोग पैरासीटामोल को केवल बुखार की दवा समझ के, बड़ी जल्दी केवल बुखार होता है तो लेना है ऐसा सोचकर छोड़ देते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यह चीज़ है। दूसरी चीज़ें मैं इसमें आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उस दवा को आप कंटिन्यूस लेंगे 15-17 दिन तक, ये इम्यूनिटी बूस्टर है।
टेस्ट कराने की चीज़ों में मैं आपको और कुछ चीज़ें बता दूं, यदि आप टेस्ट की तरफ भागते हैं टेस्ट कराने के लिए तुरंत तुरंत, तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है, यदि आप अकेले जा रहे हैं तो ठीक है, या फिर टेस्ट वाले जगह पर बहुत सारे लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आता है और बहुत सारे लोगों का टेस्ट नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में जहाँ भी आप टेस्ट कराने जा रहे हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे कोविड के लिए थ्रोट स्वैब टेस्ट हो, या सीटी के लिए भी यदि आप जा रहे हैं, तीनों जगह पर आप यदि इन्फेक्टेड नहीं हैं तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और यदि आप इन्फेक्टेड हैं तो आपके दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे भी आप अपने आइसोलेशन का, अपने सेग्रीगेशन का, अपने डिस्टेंसिंग का बहुत खास ध्यान रखें, अपने मास्क का प्रॉपर प्रयोग करें, और लोगों से बिल्कुल 2 मीटर 2 गज की जो दूरी है उसे मेंटेन करके रखें। इसके बाद हम आते हैं कि मेडिसिन में जो स्टेरॉइड का पार्ट है, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट कभी भी 5 दिन या 4 दिन के पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत में आपकी इम्यूनिटी को डाउन करके आपकी स्थिति को और गंभीर कर सकता है। ग्रेजुअली आपकी मॉनिटरिंग, जिसमें टेम्परेचर, पल्स और SpO2 का मॉनिटरिंग आपको कंटिन्यूसली करना है, जो कि हर 4 घंटे में होना चाहिए। दिन में कम से कम 4 बार इसका मॉनिटरिंग जरूर करें, और इसमें कोई भी स्थिति होती है, कंटिन्यूस फीवर 3 दिन से ज़्यादा आने पर, या आपका SpO2 94 से नीचे होने पर, आपको अलर्ट में जाना है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। 5 दिन के पश्चात आपको, यदि आपकी बीमारी बढ़ती है, आपका SpO2 डाउन होता है, आपकी क्लिनिकल सिम्टम्स बढ़ते हैं, तब डेफिनेटली आपको स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट के रूप में स्टार्ट किया जा सकता है, और साथ ही ब्लड क्लॉटिंग की दवाइयाँ जो होती है, दूसरा स्टेरॉइड, और तीसरा फेविफ्लू को 4th या 5वें दिन स्टार्ट किया जा सकता है, यदि आपके सिम्टम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये सारे ट्रीटमेंट का गाइडलाइन आपका डॉक्टर जो क्वालिफाइड है, वो कम से कम MBBS, MD या कोविड स्पेशलिस्ट ज़रूर होना चाहिए, और जो अभी कोविड प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इस समय बहुत ज़्यादा ड्राई कफ होता है, कफ ज़्यादा होती, तो उसमें एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ हैं, जो मोंटेल्यूकास या फिर कहिए सेट्रेजीन होती, इसका उपयोग किया जाता है। कफ के लिए आप कॉन्स्टेंटली कफ सिरप का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही स्टीम का उपयोग कंटिन्यूसली 3 दिन में 3 से 6 बार करना चाहिए, साथ ही गार्गल करें, इससे काफ़ी हद तक आपको सहायता मिलती है। श्वास की तकलीफ हो सकती है, जिसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो अभी हेल्दी हैं वो भी करें, और कोविड काल में भी आपको कंटिन्यूसली इसे करना है। मॉनिटरिंग स्ट्रिक्टली है, उसे करना ही है आपको, और इसे रेगुलर करना है। अगला सवाल आता है, 98% केसेस होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन टाइमली, इन सारी चीज़ों का इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप होम आइसोलेशन में हैं और केवल आप ही इन्फेक्टेड हैं, आप इन्फेक्शन हुए हैं, तो बाकी फैमिली से आइसोलेट होकर बाकी फैमिली मेम्बर्स को, जो कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनजाने में हो सकते हैं, उनका आइसोलेशन से 3 से 5 दिन तक आपको मॉनिटरिंग होना बहुत आवश्यक है, उनका मॉनिटरिंग करना चाहिए। इन केस डाउट लगता है तो आइवरमेक्टिन, जो कि प्रूवन मेडिसिन है, 3 दिनों के लिए प्रोफाइलेक्सिस के रूप में डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है। आइसोलेशन में यदि आप अकेले इन्फेक्टेड हैं तो आप अकेले रह सकते हैं, लेकिन यदि आपका दूसरा फैमिली मेम्बर आपके 1 दिन 2 दिन के बाद में इन्फेक्ट हो रहा है, तो आप साथ में एक दूसरे के बिल्कुल रह सकते हैं। कोई भी एक मरीज दूसरे इन्फेक्टेड मरीज को इसमें कोई खास प्रभावित नहीं करता। आइसोलेशन का जो प्रोसेस है वो 10 से 17 दिन का है, बट 17 दिन तक आपको क्लियरली, यदि आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं या सीवियर हैं, मिनिमम 17 डेज तक आपको आइसोलेट जरूर रहना है, इसे खास ध्यान रखें। इसके बाद एक चीज़ें देखने को आ रही है कि वैक्सीनेशन जब कराने जाते हैं तो वैक्सीन के कारण हमें इन्फेक्शन हो जाता है, वैक्सीन से कोविड इन्फेक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड का इन्फेक्शन वैक्सीन के थ्रू नहीं फैलने वाला है, वैक्सीन के सिम्टम्स जो साइड इफ़ेक्ट्स जो आते हैं, जो सो कॉल्ड वैक्सीन का एक पॉसिबल इफेक्ट है, बॉडी में पेन होना, आँखों में जलन होना, हल्का सा जॉइंट में पेन होना, जो वैक्सीन के कारण फेयरली पॉसिबल है, लेकिन वैक्सीन के लगते ही 2 दिन 5 दिन 7 दिन में या आपको कोविड पॉजिटिव आ रहा है, तो आप मान के चलिए ये इन्फेक्शन आपके पहले शरीर में था, या फिर वैक्सीनेशन के दौरान यदि आपने सोशल डिस्टेंसिंग या किसी भी प्रकार के मास्क और उसका उसी असावधानी के कारण से आप कोविड से इन्फेक्टेड हुए हैं, ये तय है। तो केवल वैक्सीनेशन के थ्रू आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा, वैक्सीनेशन कराते समय
भीड़ में या किसी के कांटेक्ट में आया हो, या हो सकता है कोई अगला इंसान, दूसरा इंसान जो वैक्सीनेशन कराने आया हो, उस व्यक्ति के थ्रू आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, और वैक्सीनेशन के आसपास आपको, वैक्सीनेशन के पश्चात भी अपनी इम्यूनिटी को बेटर रखें। कोशिश करें कि आप ऐसे किसी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि वैक्सीनेशन के पश्चात लगभग 7 से 10 दिन तक कई बार आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। फिर आता है पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट। जब भी कोविड का ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट होता है, यदि माइल्ड या मॉडरेट भी है, तो कुछ समय तक आपकी कुछ खास दवाइयाँ चलती है कंटिन्यूसली, स्टेरॉयड, एंटी क्लॉटिंग जो मेडिसिंस है, और इम्यूनिटी बूस्टर जो भी मल्टीविटामिन के रूप में, उसको आपको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली लेना है। वो आपके डॉक्टर के सुपरविज़न में होगा, वो 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कैसी है, आपकी वीकनेस कैसी है, एंड हाउ यू आर फीलिंग। सो इन सब का बिल्कुल आप ध्यान रखें। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब आपको कंटिन्यूसली बुखार है, तो उस समय केवल जब बुखार हो तब 650 मिलीग्राम पैरासीटामॉल का उपयोग ना करें। जब आपको केवल थकान लग रही है, हरारत लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसी कंडीशन में भी आप पैरासीटामॉल का बहुत सावधानी से उपयोग कर सकते हैं। उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इवन 6 बार 500 मिलीग्राम की दवा को आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट को अपने सुपरविज़न में रखता है। पानी का उपयोग सफिशिएंट करना बहुत आवश्यक है, लगभग 3 से 4 लीटर पानी का प्रयोग ज़रूर करें। इस समय भोजन, चाहे आप प्री कोविड हो, ड्यूरिंग कोविड हो, या पोस्ट कोविड हो, भोजन हाई प्रोटीन डाइट में बैलेंस डाइट की तरह होना चाहिए। पानी का समुचित मात्रा में उपयोग करें, रसीले फलों का सेवन करें, दूध और दही का उपयोग अच्छे से करें। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडे और मीट का, फिश का उपयोग रेगुलरली कर सकते हैं। दूध पीना कम से कम सुबह शाम 1-1 गिलास बहुत सेहतमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो आने वाले समय में आपको परेशान करती है, आप कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। प्लीज़ माइंड इट, ये एलोपैथिक प्रोटोकॉल को आप फॉलो करें, उसके बाद आपको जो करना है करें। लेकिन किसी भी चीज़ में कि केवल अजवाइन का पानी पीने से, गिलोय खाने से, या कपूर सूंघने से, या फिर केवल नेबुलाइजर से ऑक्सीजन लेने से, ऐसी कोई भी चीज़ का कोई फुल प्रूफ रिजल्ट नहीं है। सो आप उसके चक्कर में पड़ के अपने शरीर के, अपने जान के खतरे को ना बढ़ाएं। लेकिन जो एलोपैथिक एल्गोरिदम जो ICMR के थ्रू है, उसको आप क्लियरली फॉलो करते रहें, और उसके पश्चात आपको जितनी गिलोय, जितनी अजवाइन, जितने कपूर या किसी दूसरे चीज़ों का उपयोग करना है, उसे आप करते रहें। बट बेसिक प्रोटोकॉल आप फॉलो करें, आई कैन प्रॉमिस आप 98-99% सुरक्षित इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। सो आप अपने आप को सुरक्षित रहें, साथ ही मास्क, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉश का कंटिन्यूसली उपयोग करें। क्लोज चैम्बर में कभी भी किसी भी नए आदमी के साथ, जो आपके फैमिली के साथ में नहीं रहता है, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा उसके साथ में रहना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, खासकर मार्केट जाते समय, जब आप मार्केट में कुछ भी चीज़ें ले रहे हैं, चाहे सब्जी ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, तो अपनी डिस्टेंसिंग और कॉन्टैक्ट का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप अननोइंगली कोविड से इन्फेक्ट हो जाते हैं। सो अपने आप को सुरक्षित रखें, और इस महामारी से बचने के लिए बेसिक सावधानी का फॉलो करें। धन्यवाद।